हेलो एंड वेलकम गाइस, क्रिप्टो वाला दोस्त यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, बात क्या करने वाला हूँ मैं आज आपके सामने लाइव, इतना जो मेरे पास है 2267 पाई 2267 पाई को मैं अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, मेनेट में माइग्रेट करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको सबसे ज़्यादा ये नेसेसरी होता है कि आप अपनी सारी पाई को, जितनी भी पाई आपने आज तक माइन किया है, उसे ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र करें यानी कि वॉलेट में, मैनेट में रखें। अगर वहाँ पे आप नहीं रखते हैं तो कोई मतलब ही नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो जो भी ज़रूरी चीज़ होंगी यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, तथा मैं खुद करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर सब कुछ, कब होता है, कितना दिन लगता है। तो मैं खुद का करने वाला हूँ, यानी कि मेरा खुद का जो है पाई ऐप है, यानी कि ओरिजिनल मेरा अकाउंट है। सो यहाँ पे जो भी करूँगा एकदम सही से करूँगा, तो आप लोग देखिएगा पूरा एंड तक, आप लोग भी करना सीख जाएंगे। इस वीडियो को देखना, मैं सच में कर रहा हूँ बाबू, इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग ज़रूर देखो यार। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे पाई टू डे की एक अपडेट आई थी मैनेट माइग्रेशन का, फुल वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड स्क्रीन में भी डाल दिया, वहाँ पे मैंने सब कुछ इलेबोरेट किया है, उसको भी देख लीजिएगा अगर टाइम हो तो। लेकिन यहाँ पर चलिए हम अपने जितने भी पाई है उसको माइग्रेट करते हैं, अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं, तभी ना हमें कोई वैल्यू मिलेगा। जब तक हमारे पर्स में नहीं जाएगा तब तक हमें वैल्यू नहीं मिलेगा, जब तक कोई पर्स में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आके थ्री डॉट में हमें क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे देखते रहिए आप ध्यान से, थ्री डॉट में क्लिक करना है, फिर यहाँ पे मैनेट पे क्लिक करना है। मैनेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए आपका अनवेरीफाइड बैलेंस कितना है, 2065। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफरेबल बैलेंस यानी कि आपको ट्रांसफ़र करने योग्य कितना है, 201 पाई। अब यहाँ पे माइग्रेट टू मैनेट, यहाँ पे देखिए अभी मेरा एक भी अमाउंट यहाँ पे माइग्रेट नहीं हुआ है। ठीक, तो इसको हम चलिए माइग्रेट करते हैं और देखते हैं कि कितना हमारा क्या होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए ट्रांसफरेबल बैलेंस में मेरा 201 पाई दिखा रहा है, यानी कि यह मेरा खुद का पाई है, जितना मैंने KYC किया है। जितने भी लोगों की KYC हो जाएगी उसी का पाई जो है ट्रांसफ़र योग्य होगा। आपके सिक्योरिटी सर्कल में आपने जितने भी लोगों को रेफ़र किया है उन लोगों की KYC हो जाएगी, तभी यहाँ पे जो है रेफरल अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं मैनेट चेकलिस्ट पे। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाई ब्राउज़र को डाउनलोड करना है, क्रिएट वॉलेट करना है, कन्फर्म वॉलेट करना है, ये सब चीज़ तो मैं ऑलरेडी 2-3 महीने से बताते आ रहा हूँ, करते आ रहा हूँ, दिखाते आ रहा हूँ। अगर चैनल पर आप पहले से होंगे तो सब कुछ आपका क्लियर होगा, अगर मुझे आप फॉलो करते हैं तो। मैं तो यही कहता हूं दोस्तों, फॉलो किया करिए, सीधे सीधे जो भी चीज़ होगा मैं आपको बताता रहूंगा। सब कुछ देखिए यहां पे मेरा क्लियर है, बस बाकी है माइग्रेट टू मैनेट। अब इसी को हम चलिए माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट पे क्लिक करेंगे, यहां पे प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट लिख रहा है, बाकी की चीज़ें यहाँ पर लिखेगा, आपका आगे नाम लिख देगा। इसके बाद ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन बता रहा है क्या क्या चीज़ है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। लीगल कंप्लियंस है, इसके बाद ये सब है, रिसीव पाई टोकन दिखा रहा है क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें बस सीधे से आई एक्सेप्ट क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना वॉलेट जो है, वॉलेट का पासप्रेस, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको अपना पासप्रेस कभी भी नहीं खोना है। अगर आपने गलती से खो दिया है तो जल्दी से जाकर रीसेट करके उसे सेट कर लीजिए, वीडियो जो है चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही है कैसे क्या करना है, तो आप डालिएगा क्रिप्टो वाला दोस्त पाई नेटवर्क पाई वॉलेट रीसेट, आ जाएगा, मेरी वीडियो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम अपना जो है पासप्रेस ला करके पेस्ट करेंगे, मैंने इसको बकायदे से ड्राइव में रख दिया है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा, इसके बाद साइन इन करूँगा, तब जा करके मेरा जो है अकाउंट खुल जाएगा, यानी कि मेरा जो है वॉलेट खुल जाएगा। अब उस वॉलेट में मैं अपने पाई को ले जा करके सेफली रख दूँगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए सब कुछ करके दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा जो है साइन अप हो गया, यानी कि मेरा जो पासवर्ड मैंने कॉपी करके रखा था, इसे यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। मैं इसका स्क्रीन शॉट एक ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए लिख रहा है, यू आर ऑल सेट, कंग्रेचुलेसन, वी हैव रिसीव योर एग्रीमेंट। मेरा एग्रीमेंट पाई नेटवर्क टीम के पास पहुँच चुका है मैनेट ब्लॉक चेन का। आफ्टर द ट्रांसफर टू द मैनेट देयर विल बी 14-day पेंडिंग पीरियड। यहाँ पे 14 दिन का जो है पीरियड लगेगा, टाइम लगेगा ट्रांसफ़र होने में, एक्टिवेट होने में। इसके बाद हम यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए, ट्रांसफरेबल ओनली आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ योर सेलेक्ट लॉकअप ड्यूरेशन के बाद। जब तक देखिए लॉकअप वाला बैलेंस शायद से यहाँ पे लिखा है, वाइल द लॉकअप पर्सन विल बी ट्रांसफरेबल। जब आपका, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था, यहाँ पर जो है क्लियर हो गया है। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर क्लियर हो गया है कि हमारा जो लॉकअप वाला बैलेंस कब ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जब उसका पीरियड ख़त्म हो जाएगा, जितने टाइम के लिए आपने लॉकअप किया है टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी, तब जाकर के आप ट्रांसफ़र करने योग्य हो जाएंगे। वो बैलेंस भी आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो गया शायद से। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं
मैंने सब कुछ समझ लिया है, क्या क्या करना था आपने देख लिया, तो आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से देखिए मेरा सब कुछ दिखा रहा है, एग्रीमेंट वगैरह, यहाँ पे डेट भी दिखा दिया कितने डेट को मैंने क्या किया है। द वैलेट एड्रेस यूज टू साइन, मतलब मेरा ये वैलेट एड्रेस है, डिजिटल सिग्नेचर है। इस चीज़ को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, शायद से कभी काम पड़े। वैसे तो ये सब ऑटोमेटिक सेट रहेगा। यह मेरा वैलेट एड्रेस है, मेरे वैलेट का एड्रेस है जो मैंने आपको बताया था कि पब्लिक की यही है, यानी कि किसी को अगर भेजना है पाई तो यही आप एड्रेस देंगे तो यहाँ पे भेजेगा। आने के बाद हम देखते हैं मेरा सातों आठों जो भी होगा सब का सब। देखिए यहाँ पे मेरा ग्रीन ट्रिक लग चुका है, यानी कि सक्सेसफुली मेरा जो है माइग्रेट हो चुका है। अब जितना भी मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे आकर के दिखने लगेगा हमारा, और पाई वैलेट में भी शायद से हमें देखने को मिल जाए। थोड़ा सा वहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखें कोई अपडेट वहाँ पे नहीं ना हो गया। अब दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि पाई नेटवर्क का इतना ज़्यादा जो है बूम पे आ चुका है, तो मैं आपसे एक बार और कहूँगा कि दोस्तों सतोशी नेटवर्क भी, सतोशी BTCS को भी आप लोग माइन करिए। उसका भी प्रोजेक्ट भाई बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फुल वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को चेकआउट करिएगा, देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ भाई पाई नेटवर्क के साथ साथ आप लोग सतोशी BTCS को भी ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे आप लोग माइन करिए, लोगों को रेफ़र करिए। हर एक मोबाइल में होना चाहिए, वहाँ पे डेली का डेली अर्निंग भी होता है, जितने लोगों को रेफ़र करेंगे वोट भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पाई टेस्टनेट दिखा रहा है, पाई माइनेट में देखते हैं यहाँ पे बैलेंस आया कि नहीं। मेरा लोडिंग हो रहा है तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, माइग्रेशन में अभी कुछ भी नहीं शो कर रहा है। 14 दिन के बाद यहाँ पे सब कुछ शो करने लगेगा और हमारे वॉलेट में भी। तो फिलहाल के लिए यही बहुत ही धाकड़ अपडेट थी भाई, ये करना तो नेसेसरी, अगर आप नहीं करते हैं तो कोई मतलब ही नहीं मिलता है करने का। तो अभी जिन लोगों की KYC नहीं हुई है वेट करें, KYC हो जाएगी। चलिए फिलहाल के इतना ही, थैंक यू सो मच।